हेलो एवरीवन, आज बात करें कि उत्तर प्रदेश का सीएम अगला कौन होगा, अखिलेश जी या योगी जी। तो दोनों का चार्ट मैं एनालाइज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हैं अखिलेश जी की कुंडली, 1 जुलाई 1973, 12 PM, सफई, उत्तर प्रदेश। तो वर्गो लगन है उनका, और वर्गो लगन है उनकी, महादशा चल रही है केतु केतु की, और अंतरदशा में गुरुदेव हैं। तो अब ये क्या उनके जन्म की कुंडली, अगर यहाँ से कोई दिग्गज प्लेनेट मूव करेगा और एक कॉम्बिनेशन बनाएगा 2711 का, तभी वो इलेक्शन जीत सकते हैं, और वो बन रहा है। लेकिन अभी नहीं बन रहा, वो कब बन रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, 22 2022, क्योंकि अंतरदशा में शनि आ रहे हैं। अब शनि क्या है, शनि कारक है, जो जैसा कर्म करता है, कर्म और फल शनि को दिया गया है। ये नहीं कि जब भी वो गुरुदेव के ऊपर से निकलेंगे, क्योंकि इनका मकर में है गुरुदेव और शनि वहीं चल रहे हैं 2.5 साल से। तो लेकिन शनि एक्टिव नहीं है ना महादशा में, तो अब एक्टिव होने जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो प्रमोशन ही देंगे, वो डिमोशन भी देते हैं। तो डिपेंड ऑन कर्म थ्योरी है। बट अगर इलेक्शन 22 फरवरी के बाद होते हैं, तो अखिलेश जी के जीतने के 100% चांस हैं। अगर उससे पहले ही वोटिंग हो जाती हैं, तो इनका चांस नहीं है। मतलब बहुत ही मैं सिंपल सी और एक छोटी सी प्रेडिक्शन है कि नहीं है, है तो क्यों है, तो वही आपको समझना है। अब चलते हैं आदित्यनाथ योगी जी की, 5 जून 1972, इनका भी 12 बजे दोपहर, और पूरी गरवाड़। तो इनकी भी केतु की महादशा, अंतरदशा में शनि एक्टिव हो चुके हैं, कब से, 23/12/2021 अभी एक्टिव हुए हैं। तो इनका कुंभ राशि है, तो वहाँ से गुरुदेव ट्रांजिट हो रहे हैं, तो यानी 7th हाउस जनता का है। 7th हाउस में गुरुदेव ट्रांजिट हुए, तो जनता का सपोर्ट मिलेगा। चंद्रमा क्या है, माँ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर मैं दोनों की कुंडली देखूँ, तो दोनों का द्विद्वादश भाव आ रहा है, सेम है, केतु की महादशा अंतरदशा में दोनों का शनि एक्टिव हो रहा है। द्विद्वादश भाव में मतलब है किसी एक का लॉस, किसी एक का प्रॉफिट। अगर आप सिंह ले लोगे, सिंह लगन, तो 6 वर्गो हो जाएगा, यानी उससे आगे का भाव, इसको बोलते द्विदशा। अगर वर्गो ले लोगे, उसका 12th भाव में चला जाएगा। तो अगर दोनों में से स्ट्रॉन्ग, वोटिंग का टाइम मुझे नहीं पता कि वोटिंग कब होनी है। अगर 22 फरवरी से पहले वोटिंग होती है, तो योगी जीतेंगे। अगर 22 फरवरी के बाद वोटिंग होती है, तो अखिलेश जी जीतेंगे, क्योंकि शनि की मूवमेंट दोनों प्लेनेट पर है, एक की चंद्रमा पर है, एक की गुरु देव के ऊपर से मकर, तो यहाँ रोज नहीं आते शनि, 30 साल बाद आते हैं। तो डिमोशन और प्रमोशन किस पर लिखा है, कर्म थ्योरी पर। आपने जैसा कर्म किया है, शनि वैसा ही फल देंगे। अगर बुरा किया, तो वो बुरा अपने पास नहीं रखते, अगर अच्छा किया, तो अच्छा भी अपने पास नहीं रखते, वो आप लोगों को वापस देते प्रमोशन के साथ और डिमोशन के साथ। तो अब मुझे इलेक्शन की डेट्स नहीं पता, अगर इन दिनों इलेक्शन हो जाते हैं, तो योगी जी के फेवर में जा रहे हैं। अगर 22 फरवरी के बाद इलेक्शन होते हैं, तो अखिलेश जी के फेवर में जा रहा है। इसी तरह सच से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ, सच के साथ।